Hello everyone, welcome back to my channel. So as promised, I am done with my furniture makeover और मैं video लेकर आपके सामने हूँ. आपको आज सब कुछ pink दिखाई दे रहा होगा क्योंकि आज मैं अपनी daughter के room में हूँ. मैं उसके लिए ये एक room decorate कर रही हूँ काफी दिनों से. ये मेरा एक पुराना study room था जिसको मैं अपने daughter के play room के जैसे use कर रही हूँ. और इस makeover में मेरा पहला step ये था कि मैं इस boring bed को एक बहुत खूबसूरत सा makeover दूँ. मैं अपनी डॉटर के रूम को कुछ फ्लोरल थीम देना चाहती थी, कुछ विंटेज लुक देना चाहती थी, इसीलिए मैंने इस बेड को एक वाइट और पिंक कलर में मेकओवर दिया और कुछ फ्लोरल थीम रखी. और इस मेकओवर को करने में मुझे बहुत मेहनत लगी, बहुत दिमाग लगा, जितना मेरे पास था उतना मैंने यूज़ किया. बट मुझे फाइनल रिजल्ट बहुत अच्छा लगा और मैं उम्मीद करती हूँ आपको भी रिजल्ट अच्छा लगेगा. मेकओवर वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अगर पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा. तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं. So this is the bed guys. It has got a very ugly laminate but I'm going to paint it and I will show you how to do it. So let's start. तो जब भी आपको किसी laminate के ऊपर paint करना हो तो सबसे पहला step होगा उसको sandpaper के through properly scrub करना, जिससे कि उसकी surface rough हो जाए. और फिर आप उसको एक कपड़े से clean करके सारी dust को हटा लीजिए जिससे कि paint उस पर आराम से चढ़ सके. तो अब हमारा ये बेड मेकओवर के लिए बिल्कुल तैयार है. तो फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हम पूरे बेड पे प्राइमर का एक कोट अप्लाई करेंगे. मैं यहाँ पे एशियन पेंट्स का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ. आप किसी भी ब्रांड का प्राइमर यूज़ कर सकते हैं. मैं कोशिश करूँगी, अगर मुझे इसका लिंक मिलता है ऑनलाइन तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी. और जैसा कि आप देख सकते हैं, हम सारे बेड को इस प्राइमर से कवर कर देंगे, चाहे वो लैमिनेट का सेक्शन हो या फिर वुडन एरिया हो. बेड के सारे जितने भी विजिबल एरियाज हैं उन सबको हम इस प्राइमर से अच्छे तरीके से पेंट कर देंगे. प्राइमर का एक कोट अप्लाई करने के बाद मैंने इस बेड को रात भर ड्राई होने के लिए छोड़ दिया, जिससे कि जो प्राइमर है वो कम्प्लीटली सूख सके और हम इस पर पेंट कर सकें. पेंटिंग स्टार्ट करने से पहले हम फिर से सैंडिंग पेपर का यूज़ करेंगे और पूरे बेड के ऊपर सैंड पेपर को अच्छे तरीके से रगड़ेंगे, जिससे कि सरफेस बिल्कुल स्मूथ हो सके और पेंट आसानी से चढ़ सके. बेड के बॉर्डर्स को पेंट करने के लिए मैं वाइट एनामल पेंट का यूज़ कर रही हूँ. ये एशियन पेंट्स का एनामल पेंट है. आप किसी भी ब्रांड का एनामल पेंट यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई और पेंट को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप चाहें तो आप चॉकबोर्ड पेंट को भी यूज़ कर सकते हैं. बट मैं बॉर्डर के लिए एनामल पेंट को यूज़ कर रही हूँ. व्हाइट इनामल पेंट का फर्स्ट कोट ड्राई होने के बाद आपको इसको एक बार और पेंट करना होगा, जिससे कि पेंट अच्छी तरीके से लग जाए और कलर भी उभर कर आए. तो बेड के बॉर्डर्स, लेग्स और जितने भी बाहर के विजिबल एरियाज थे उन सबको मैंने इनामल पेंट का दो कोट दे दिया है. और अब इनर सेक्शन के लिए मैं चॉकबोर्ड पेंट यूज़ करने वाली हूँ. ये चॉकबोर्ड पेंट मैंने ऑनलाइन मंगवाया था और इसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी. ये पेल पिंक कलर मैंने चूज़ किया है यहाँ पे. और इसको अप्लाई करने के लिए मैं ये फोम ब्रश का यूज़ कर रही हूँ. आप चाहें तो कोई और ब्रश का यूज़ कर सकते हैं. इस ब्रश का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी अगर आप ख़रीदना चाहें तो. ये देखिए, हमने एक कोट दे दिया है चॉकबोर्ड पेंट का और अब हम इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे रात भर. चॉकबोर्ड पेंट का सेकेंड कोट अप्लाई करने से पहले मैं उसमें थोड़ा सा वाटर मिला रही हूँ, जिससे कि जो पेंट ब्रश के जो स्ट्रोक्स हैं वो थोड़े कम विजिबल होंगे और देखने में काफ़ी स्मूथ लगेगा. आप इसके बॉक्स पे भी पढ़ सकते हैं कि वाटर मिलाने से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन सिर्फ 10% वाटर ही मिलाना है आपको इसमें, जिससे कि थोड़ा सा स्मूथ हो जाए. लेकिन एकदम वाटरी भी नहीं होना चाहिए इस चॉकबोर्ड पेंट को. तो ये देखिए, ड्राई होने के बाद हमारा ये इनर सेक्शन कितना खूबसूरत लग रहा है, कलर कितना खिल कर आया है. और अब हमें बढ़ना है नेक्स्ट स्टेप की ओर. नेक्स्ट स्टेप के लिए हम इसको एक बार और सैंडिंग पेपर के थ्रू स्क्रब करेंगे, जिससे कि सरफेस स्मूथ हो जाए.
और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी डॉटर भी पूरी तरीके से इन्वॉल्व है इस प्रोसेस में। अब हम बेड के हेड के ऊपर डिकूपाज करेंगे। डिकूपाज करने के लिए मैं ये डिकूपाज पेपर्स को यूज़ कर रही हूँ जो मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था, और डिकूपाज करने के लिए हम मॉच पॉच का यूज़ करते हैं। अगर आपने कभी डिकूपाज नहीं किया है तो मैं आपको पूरा प्रोसेस आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आप डिकूपाज कैसे कर सकते हैं। डिकूपाज में बेसिकली जो भी आप पेपर या नैपकिन यूज़ करते हैं उसकी डिज़ाइन जो होती है वो दूसरे मीडियम पर ट्रांसफ़र हो जाती है ग्लू यानी कि मॉच पॉच के थ्रू। तो यहाँ पे मैं बॉर्डर्स और इन छोटे छोटे फ्लावर्स को यूज़ करने वाली हूँ डिकूपाज करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं उन इन बॉर्डर्स को और बीच के सेक्शन को अच्छी तरीके से कट कर लूँगी। मैं चाहती हूँ कि जो ये बॉर्डर्स हैं वो प्रोमिनेंटली दिखाई दें, इसीलिए मैं इनको बहुत ज़्यादा फाइन कटिंग नहीं कर रही हूँ, थोड़ी सी रफ़ कटिंग कर रही हूँ। बट आप चाहें तो बिल्कुल फ्लावर्स के शेप में कर सकते हैं। और मिडिल सेक्शन मैंने बहुत बारीकी से कट किया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फाइनल स्टेप ऑफ दिस मेकओवर। एंड फॉर द फाइनल स्टेप वी आर गोइंग टू डिकूपाज दीज कटिंग्स ऑन द बेड। और उसके लिए सबसे पहले तो हम एक प्लेट में थोड़ा सा डिकूपाज ग्लू जो है उसको निकाल लेंगे, और ब्रश के थ्रू जहाँ भी हमको ये बॉर्डर को लगाना है, जैसे कि मैं यहाँ कॉर्नर्स में लगा रही हूँ, वहाँ पे सबसे पहले इस ग्लू को अप्लाई कर देंगे और उसके ऊपर हम इस बॉर्डर को रख देंगे और फिंगर से अच्छी तरीके से प्रेस कर देंगे जिससे कि कोई बबल्स ना हो इसमें और ये अच्छी तरीके से चिपक जाए। और उसके ऊपर उसके बाद उसी ग्लू को दोबारा से इस पेपर कटिंग के ऊपर लगा देंगे और उसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम सारे कॉर्नर्स पे इन कटिंग्स को लगा देंगे। कॉर्नर्स को फिनिश करने के बाद अब मिडिल सेक्शन की बारी है। मिडिल सेक्शन के लिए आप मार्क कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको मिडिल सेक्शन क्रिएट करना है। तो मैंने पहले से मार्क कर रखा है और अब मैं वहाँ पे ग्लू लगा के जो बड़ी कटिंग हमने काटी थी उसको मैं लगा रही हूँ, डिकोपाश कर रही हूँ यहाँ पर। और जैसा कि सारे कटिंग के साथ कर रहे हैं, हम इसके ऊपर भी हम ग्लू लगाएंगे जिससे कि ये इमेज अच्छी तरीके से ट्रांसफ़र हो जाए बेड के ऊपर। अब जब तक ये पोर्शन सूखता है तब तक हम छोटे फ्लावर्स को कट कर लेंगे। और ये देखिए हमारे छोटे फ्लावर्स कट हो चुके हैं। इनको मैंने बहुत बारीकी से काटा है जिससे कि जो ऑड सेक्शंस हैं इस कटिंग के, बिगर कटिंग के, उसको हम कवर कर सकें और एक ब्यूटीफुल सा पैटर्न यहाँ पर क्रिएट कर सकें। Now I'm going to use these small flowers to hide all the imperfections in this design, and it will create a beautiful melody of pink and green. It will give a beautiful vintage look to the bed. Now the process for applying these flowers will be same. हम यहाँ पर भी मॉच पॉच ग्लू का यूज़ करेंगे इन फ्लावर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए इस बेड के ऊपर। मॉच पॉच अच्छी तरीके से लगाने के बाद अब हम इस बेड को कम्प्लीटली ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। और ड्राई होने के बाद आप इस सेक्शन को एक बार क्लियर वार्निश का यूज़ करके पेंट कर सकते हैं जिससे कि डिकूपाज भी आपका सेफ रहेगा और बेड में एक हल्की सी शाइन आ जाएगी।
decoupage is such an interesting technique. You can use it to give a new look to anything. It can be a water bottle, it can be a tin can, it can be a furniture. There are unlimited possibilities. So if you want to see more of these decoupage videos, then please do let me know in the comment section. Now it's time for the final reveal, and let's see how our bed is looking post makeover. I just love this makeover project, and I still cannot believe this bed had that ugly laminate and it was all brown and boring, and now it's looking totally different and it has completely changed the look of this room. इस मेकओवर प्रोजेक्ट पे मैंने अराउंड 1500 से लेके 2000 के बीच में स्पेंड किया होगा, और इस बजट में मुझे इतना खूबसूरत बेड मिल गया. शायद मैं ऐसा बेड बाहर खरीदने जाती तो मुझे कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ते, बट थैंक्स टू दिस DIY मुझे इतना खूबसूरत बेड मिल गया, और अब मैं अपनी डॉटर के इस रूम को और भी ज़्यादा डेकोरेट करने के लिए एक्साइटेड हूँ, और मुझे ये बेड बहुत खूबसूरत लग रहा है. मैं अपनी खुशी वर्ड्स में नहीं बयान कर सकती. आई होप आपको मेरा ये छोटा सा फर्नीचर मेकओवर वीडियो पसंद आया होगा, और आपको भी बहुत सारे आइडियाज़ मिले होंगे अपने फर्नीचर को मेकओवर देने के लिए. तो ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, हमारे वीडियोस को देखते रहिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मेट्रो मॉम.